चैनल है। सब लोग कैसे हैं आप लोग? आज आपका भाई के चार्ज पैक सेकेंड हैंड कार की धमाकेदार वीडियो देखिए। जहाँ भी गाड़ी का कलेक्शन मतलब भरा हुआ है, वैगनार का आप लोग देख लीजिए, वैगनार कलेक्शन देख सकते हैं आप लोग, पूरा भरा हुआ है। स्कॉर्पियो में आप लोग दिखा दूँ, देखिए स्कॉर्पियो ब्लोरो पूरा भरा हुआ है, एकदम बेहतरीन सेगमेंट की गाड़ी है। यहाँ का गाड़ी कंडीशन के बारे में पता है आप लोग को, एक्सीडेंटल वगैरह नहीं मिलता है, एकदम काफ़ी नीट एंड क्लीन। अजय सर से लेंगे सभी गाड़ियों की डिटेल। तो जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सभी गाड़ी की डिटेल में वीडियो में एंड तक बने रहिए। नेक्स्ट गाड़ी होने वाली है आपको बोलेरो SLX, 2015 की गाड़ी है। चारों टायर न्यू कंडीशन में आपको मिल जाएगी, ओरिजिनल कलर, ओरिजिनल कलर, व्हील कवर लगा हुआ है और ओरिजिनल इसका बोलेरो का। ये SLX सेकंड टॉप गाड़ी होता है, ZLX के बाद SLX आता है, पहले आता है। और स्टेपनी से लेकर के पांचों टायर इसका न्यू कंडीशन में है 2015। और किलोमीटर 67,000 चला हुआ गाड़ी, फर्स्ट ओनर गाड़ी, फर्स्ट ओनर। इंटीरियर में आपको म्यूजिक सिस्टम, AC, आपको पावर स्टेयरिंग, पावर विंडो, सारा कुछ अवेलेबल है। ये प्राइस आपको मिल जाएगा 6,25,000 का। ये स्कॉर्पियो देख रहे हैं S2, वेरी डिमांडेड, बहुत डिमांडेड गाड़ी है, स्कॉर्पियो ओरिजिनल, ओरिजिनल पेंटर, सिर्फ इसका ब्लैक पट्टी होता है जिसको व्हाइट कराया गया है, पार्टी ने खुद कराया था, ब्लैक पट्टी होता है उसको व्हाइट कराता है, पार्टी अपने शौक से कराते हैं तो वो कराए हैं। हाँ, इस पर पेंट चढ़ा हुआ रहता है, नहीं कंपनी नहीं, बाहर आउटसाइड से कराते हैं। ये गाड़ी आपकी होने वाली है J16, ये आपका 2015 का मॉडल है, रनिंग लगभग वही है, 60 के अंदर की गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी, फर्स्ट ओनर गाड़ी। इंटीरियर में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, पावर विंडो, पावर स्टेयरिंग, AC, सारा म्यूजिक है, आराम से इसको माइलेज 16-17-18 निकली जाएगा गाड़ी। इसका प्राइस होने वाला 8,25,000 रुपये, बस S2 2015 का S2 क्या है, डिमांड है इसका, क्योंकि जो भी पार्टी शादी में चलती है ना गाड़ी, तो S2 को खास करके यूज़ करते हैं लोग, और M2 DI इंजन के साथ है गाड़ी। ये आपका J17 है, 2017 की गाड़ी है, और ये ZLX गाड़ी है, ZLX टॉप मॉडल गाड़ी है, टॉप मॉडल गाड़ी है, इसमें पावर विंडो, पावर स्टे है, 17 लातेहार नंबर गाड़ी है ना सर? हाँ, ये लातेहार नंबर गाड़ी आपको मिलेगी। कौन सा होने वाला है? ये 2017 की गाड़ी है, रनिंग आपको मिल जाएगा वही 70 के आसपास है, तो ये आपका फर्स्ट ओनर गाड़ी है, और गाड़ी ओरिजिनल कलर में टोटली है। इंटीरियर में आप देख रहे हैं, पार्टी ने अपने शौक से अच्छा सीट कवर वगैरह लगाया है, बाकी पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, म्यूजिक सिस्टम, AC, सारा कुछ गुड कंडीशन में आपको मिल जाएगा। तो प्राइस बता के हमारे व्यूअर्स खुश कर दीजिए, ताकि तुरंत आके ले जाए। ये प्राइस इसका 690 का है, 690 ये आपको ZLX मिल रहा है। ये बोलेरो देख रहे, ये ओरिजिनल पेंट में गाड़ी मिलेगी, 2020 की है, हजारीबाग नंबर, हजारीबाग नंबर पे, और ये 2020 की गाड़ी है SLE, ये रनिंग लगभग वही 40-45 के आसपास चली हुई गाड़ी है। ऑनर आपको मिल जाएगा, ये फर्स्ट ऑनर गाड़ी मिल जाएगी, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का जो कमी होगा उसको भी फुलफिल करेंगे, बाकी 20 की गाड़ी है, आप जान ही रहे कितना अच्छा से दिख रहा है। करने रनिंग 40-50 के आसपास है, मॉडल 2020 का है, फर्स्ट ओनर गाड़ी। इंटीरियर में सेम चीज़ है, मगर मैनुअल, इसमें पावर विंडो नहीं मिलेगा आपको, पावर स्टेयरिंग, AC, म्यूजिक सिस्टम, एक्चुअली में क्या है, ये बोलेरो का SLE मॉडल है, SLE के बाद SLX आता है, SLX के बाद ZLX आता है, तो इससे पहले SLE से पहले DI आता है, तो DI में क्या होता है, पावर विंडो नहीं होता है, पावर स्टेयरिंग नहीं होता है, AC भी नहीं होता है, लेकिन आजकल 2016 का मॉडल में AC भी आने लगा है, 16-17 में, मतलब
हाँ सारा कुछ फिर मिल जाएगा। प्राइस बता दीजिए, ये आपको मिलने वाली है 7,35,000 में 2020 की गाड़ी एस एल ई। 7,20,000 में 2020 की गाड़ी मिल जाएगी, तो आइए देर मत कीजिए, विजिट कीजिए। 2013 मॉडल आपको दिखलाते हैं सबसे पहले। 2013 मॉडल गाड़ी, ये देखिए 2013, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। 2013 की धनबाद नंबर गाड़ी है, धनबाद नंबर गाड़ी है, सिल्वर कलर में गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, ओरिजिनल कलर में गाड़ी है। इसमें हल्का फुल्का स्क्रैच आपको नजर आ रहा है, लेकिन वेल मेंटेन गाड़ी है। जो भी कस्टमर मेरे पार्टी यूज करते थे वो बहुत अच्छे से इस गाड़ी को यूज किया है। रनिंग इसकी मिल जाएगी वही आपको 50-55 के आसपास की गाड़ी है। इंटीरियर में तो आप देख ही रहे, सीट कवर वगैरह सारा कुछ आप अपने व्यूअर्स को दिखला लीजिए, बढ़िया पावर विंडोज सारा कुछ इसमें नहीं आता है। VXi है ये, बाकी गाड़ी में हर कुछ अवेलेबल है। ये 2,85,000 इसका प्राइस होने वाला है, 2013 मॉडल गाड़ी का। 2,85,000 देख रहे हैं, 2014 की गाड़ी है, वैगन आर, धनबाद नंबर गाड़ी मिल जाएगी, ओरिजिनल पेंट गाड़ी मिल जाएगी आपको। ये रनिंग आपको मिल जाएगी वही 60 के आसपास चली हुई गाड़ी है, ये फर्स्ट ओनर गाड़ी। ये आपको VXi है, 2014 की गाड़ी है। सारा कुछ देखा दिखला सकते हैं अभी वर्ष को, इसके इंटीरियर में भी वही मिल जाएगा, सारा कुछ सेम टू सेम है, सारा कुछ। बाकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, कांच वगैरह नहीं है, कुछ नहीं, कुछ सारा कुछ ओके कंडीशन में। कुछ खराबी होता है तो आप करके, हाँ हाँ, लेने के बाद नहीं खर्चा, खर्चा नहीं। ये तो माइलेज तो 20+ दे देगा सर हाईवे में आराम से। छोटी गाड़ी है, प्राइस बताएगा कुछ करके। इसका प्राइस होने वाला 2,95,000 रुपये में ये गाड़ी मिल जाएगी आपको, 2,95,000। सिल्वर कलर की वैगन आर 2015 की है, रांची नंबर, खास कर रांची नंबर गाड़ी है, ओरिजिनल पेंट, ओरिजिनल स्क्रैचेस तो उतना रहेगा, ये टाउन में चली हुई गाड़ी है ना। मॉडल क्या बताया? ये 2015 की गाड़ी है। रनिंग क्या चला हुआ? रनिंग वही आसपास होगा, इससे तो थोड़ा ज़्यादा नहीं है, 60-65-63 ऐसे ही चला हुआ गाड़ी होगा। ऑनर फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, सेम टू सेम सारे बोलोरो को, हाँ इसका प्राइस होने वाला है आपका 3,15,000 रुपये, 2015 मॉडल की गाड़ी का 3,15,000। ये गाड़ी देख रहे हैं ग्रे कलर में आपको नजर आ रही, बोकारो नंबर गाड़ी है, बोकारो ये ओरिजिनल पेंट में है, 2017 की गाड़ी है। रनिंग वही आपको मिल जाएगा 60-63,000 के आसपास चली हुई गाड़ी है, ये फर्स्ट ओनर गाड़ी होने वाली है, फर्स्ट ओनर। टायर वगैरह सारा कुछ ओके है, अंदर में भी इंटीरियर भी देखिएगा सारा कुछ। हाँ पर इसका प्राइस होने वाला है आपका 3,75,000 रुपया, 2017 मॉडल की गाड़ी का। ये होंडा की ब्रियो है, होंडा ब्रियो, हाँ जी, ओरिजिनल पेंट गाड़ी, सिर्फ बम्पर में पेंट किया हुआ है, स्क्रैच था इसकी वजह से। ये रांची नंबर गाड़ी है, 2014 की गाड़ी है, और होंडा की गाड़ी जान ही रहे कितना क्वालिटी वाली गाड़ी होती है, प्रीमियम गाड़ी सब। ये मॉडल 2014 की मॉडल, रनिंग आपका 76,000 किलोमीटर चला हुआ गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, कोई तरह का दिक्कत। इंटीरियर में आपको वही म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, पावर स्टेयरिंग, पावर विंडो, हाँ गाड़ी काफी बढ़िया है भाई, माइलेज तो छोटी गाड़ी तो माइलेज तो माइलेज के मामले में बहुत अच्छी गाड़ी है। बाकी डीजल है पेट्रोल है? पेट्रोल पे आपको पेट्रोल गाड़ी है, बाकी गाड़ी वाली कंडीशन में, टायर की कंडीशन वगैरह बढ़िया है, तो प्राइस बता सकते हैं? इसका प्राइस होने वाला 2,95,000, 2014 मॉडल की गाड़ी है। 2014 मॉडल मात्र 2,95,000, 2,95,000 ये भाई काफी बढ़िया कंडीशन में है, 2,95,000 काफी अच्छी गाड़ी है। नेक्सा की है ये, नेक्सा में आती है, बलेनो अल्फा टॉप मॉडल गाड़ी है, ये ग्रे कलर में आई है, ये आपको मिल जाएगी रांची नंबर गाड़ी है। ये 2019 की गाड़ी है, हाँ बलेनो अल्फा, रनिंग वही है आपके 55 के आसपास चला हुआ गाड़ी है। ऑनर आपका फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, थोड़ा बहुत माइनर स्क्रैचेस वगैरह जो कि सेकंड हैंड गाड़ी में होता ही है, और
हाँ वो आपको इसमें टच स्क्रीन वगैरह मिल जाएगा आपको, म्यूजिक सिस्टम, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, सारा कुछ, जो एयर बैग भी आएगा। एकदम विजिट कीजिए, ये आपका 5,95,000 की गाड़ी है, 2019 मॉडल। ये आप देख रहे हैं इनोवा है, 2012 की इनोवा, बोकारो नंबर गाड़ी है, ओरिजिनल पेंट है, बम्पर में पेंट है, बम्पर में पेंट है, बाकी ओरिजिनल का। इसमें व्हील कवर लगा हुआ, ये 2012 का है, रनिंग आपको मिल जाएगा वही आपको 70 से ऊपर की गाड़ी, 70 ये फर्स्ट ओनर गाड़ी होगी। इंटीरियर में आपको जो नॉर्मली पायलट सीट मिल जाएगा, एयर बैग इसमें भी, हाँ इसका अलग से लगा हुआ है, पिक्चर वगैरह सारा चीज़ देख सकते हो, डिस्प्ले लगा हुआ है, बैक कैमरा भी है नहीं, इसमें रियर कैमरा, आपको रियर कैमरा भी इसमें इनबिल्ट किया हुआ, पार्टी में लगाया हुआ रियर कैमरा भी मिल जाएगा। इसका प्राइस होने वाला, ये 2012 की मॉडल है और प्राइस होने वाला इसका 6,85,000 रुपये, 6,85,000 सिर्फ। आइए भाई, वहाँ से 6,85,000 में एकदम 7 सीटर कार है, 7 सीटर, क्योंकि आराम से लोग 7-7 लोग बैठ सकते हैं या कहीं आ जा सकते हैं, काफ़ी बढ़िया माइलेज का 12-15 माँ, आराम से आराम से, डीजल की गाड़ी है तो माइलेज अच्छा दे देती है। 6,85,000 में टोयोटा की इनोवा जो कि आपकी हो सकती है। तो लास्ट गाड़ी से बाकी गाड़ी काफ़ी आज अच्छा अच्छा देखने को मिला, तो सर तो बता दीजिए कि नाम ट्रांसफर का क्या, नाम ट्रांसफर और इंश्योरेंस आप जो कराते हैं उसका एक अलग से चार्ज होता है, कस्टमर जो पे करते हैं उसको हर गाड़ी में। बाकी जी बहुत से कुछ गाड़ियों में इंश्योरेंस नाम ट्रांसफर होता है ऑलरेडी, कि मतलब नाम ट्रांसफर तो नहीं, इंश्योरेंस हुआ हुआ रहता है, नाम ट्रांसफर के लिए जो भी होता है वो अलग से पेमेंट करना पड़ता है, बस 8,000 रुपये, तो और छोटी गाड़ियों में 5-7,000 रुपये ऐसे ही कुछ, मतलब चार्जेस जो चार्जेस जिनमेंली होते हैं। फाइनेंस आपको महिंद्रा, चोला, मैग्मा और बहुत सारे जो बैंक है प्राइवेट बैंकों से हम उनका हमारा टाइप है, ये 30% छोटी गाड़ियों में 30% है और बड़ी गाड़ियों में 35-40% तक भी है, और एज के हिसाब से भी बढ़ जाता है। गाड़ी लेना हो तो क्या क्या प्रूफ लाना होगा आपको? यहाँ तो पैन कार्ड, आधार कार्ड लाना पड़ेगा, बाकी आपको फाइनेंसर से फाइनेंस कराना है तो फाइनेंसर को आपको पैन, आधार, पासबुक, चेक और आपका जो घर है उसका बिजली का बिल वगैरह आपको रखना पड़ेगा सारा अप टू डेट, तो कि फाइनेंसर जा करके आपसे वो सारे चीज़ लेंगे वो। बाकी हर गाड़ी के रेंज के हिसाब से उसका डाउन पेमेंट हो जाएगा। हाँ सर, बात बाकी गाड़ी काफ़ी बढ़िया वाली कंडीशन में देखने मिले। हाँ सर, एक बात और है, अगर कोई गाड़ी कस्टमर खरीद के लिए आते हैं, एक आध सप्ताह में इंजन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो? इंजन में वैसा प्रॉब्लम नहीं आएगा हम लोग, क्योंकि हम लोग भी गाड़ी नहीं आज तक नहीं आया वैसा कुछ नहीं है। आपका ओपनिंग कितने साल हो गया सर? ये तो 32 साल से शोरूम चल रहा है। 32 साल से चल रहा है, आप जब से काम कर रहे तब से तो ऐसा कभी नहीं हुआ? वैसा ऐसा कंडीशन नहीं आया है कि उसमें कुछ है, लेकिन छोटा मोटा कुछ गड़बड़ी आता तब भी हम एक दो बार चेक उसको चेक करवा देते हैं अपने टेक्नीशियन से। तो उसका अलग चार्ज नहीं, उससे चार्ज वगैरह। अगर कोई मैकेनिक ला के चेक कराना चाहे तो करा सकते हैं आराम से? मैकेनिक लाए, ड्राइवर लाए, जिसको जानकारी है उसको लेकर के आए और चेक करा के ही गाड़ी ले, कोई दिक्कत। सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं भाई, रिस्क नहीं लेना आपको। आपको जिस तरह से आपकी सुविधा लगती है कस्टमर को, हम कहना चाहेंगे कि आके कस्टमर अपना चेक करा सकते हैं मैकेनिक से, कोई दिक्कत नहीं सर। आपको अगर प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम, चलिए काफ़ी बढ़िया बढ़िया गाड़ी देखने मिल जाए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सर, तब तक बाय बाय।